अभी 6 दिसंबर को Redmi की तरफ से Redmi 13C 5G लॉन्च होने वाला है, जो कि एक बजट फोन होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बजट में नहीं, बहुत ज्यादा लोअर बजट में देखने को मिले। इसके प्राइस 8 से 9000 के बीच हो सकते हैं और ये फोन बहुत ही ज्यादा धांसू होने वाला है। वहीं इसका रीब्रांडेड वर्जन यानी कि पोको C65 भी कुछ टाइम बाद लॉन्च होगा, जो कि दोनों ही फोन बिल्कुल डिट्टो सेम है, बट प्राइस आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। पोको वाला जो फोन होगा वो थोड़ा लोअर प्राइस पे देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे थोड़ा हमें भी मिलता रहेगा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि Redmi 13C जो फोन होगा वो दो अलग अलग नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ होगा, यानी कि Redmi 13C 4G और Redmi 13C 5G। और मुझे लगता है कि Redmi 13C 4G जो वाला वेरिएंट है वो अभी लॉन्च करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, अब वो तो यही जाने क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब भी कुछ लोग हैं जो 4G फोन्स को यूज कर रहे हैं अभी और यूज करना चाहते हैं फॉर सम रीजंस, लेकिन जो भी हो वो एक अलग मुद्दा है। हम बात करते हैं Redmi 13C 5G के स्पेसिफिकेशन पर। तो अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये आपको स्टार साइन डिजाइन में देखने को मिलेगा, यानी कि पीछे आपको बहुत ही छोटे स्टार से देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा यूनिक बनाता है इस फोन की डिजाइन को। और ये साइड पीछे प्लास्टिक ही है, लेकिन हाँ, जो लुक है इसका और जो डिजाइन देखने को मिल रहा है अभी वो बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। एंड पोको C65 की डिजाइन जो होगी वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, मतलब कैमरा मॉड्यूल चेंज कर देंगे और हो सकता है लुक एंड फील भी कुछ चेंज हो। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.64 IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 90 हर्ट्ज के साथ आती है। और इसमें आपको 600 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, तो ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है और डिस्प्ले ठीक ठाक है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा एंड 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और जो 50 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है ना, वो AI कैमरा है, तो फोटोज अच्छे खासे निकाल सकता है और इसमें आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं कि ये स्पेक्स जो मैं बता रहा हूं वो एकदम ऑफिशियल नहीं बताए जा रहे हैं, मतलब इधर उधर से लीक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और जो ग्लोबल वर्जन इनका जो लॉन्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। और हो सकता है कुछ जो लॉन्च हो इंडिया में जो फोन आएगा उसमें कुछ डिफरेंस भी देखने को मिले। एंड जैसा कि Redmi 12C में जो फिंगरप्रिंट था वो रियर में यानी कि बैक में देखने को मिलता था, बट इसमें बहुत ज्यादा चेंज करा गया है। जो फिंगरप्रिंट होगा वो आपको साइड माउंट पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा अपग्रेड है। और सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा यूनिक फीचर इसका जो कि इसका है प्रोसेसर, इसमें आपको मीडियाटेक का 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि आपको रियलमी 11 5G में देखने को मिलता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो दिया था, तो उसको टेस्ट करने के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस रहने वाला है इसका। देखिए, परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, जैसा कि मैंने देखा था रियलमी 11 5G में। हालांकि जो गेम प्ले होगा वो हाई सेटिंग्स पर आप ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, लेकिन स्मूथ के साथ आप हाई सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी मिलने वाली है, नॉर्मल टास्क में भी और गेमिंग में भी। एंड OS की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 13 MIUI 14 नहीं मिलेगा। जी हाँ, लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इसमें MIUI 14 नहीं, हाइपर OS का अपडेट देखने को मिलेगा आपको इसमें, यानी कि एंड्रॉइड 13 हाइपर OS के साथ ये फोन आएगा। वो तो अब देखने की बात है, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि इसमें आपको हाइपर OS मिलेगा, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग हाइपर OS बताया जा रहा है। अब वो तो लॉन्च हो जाएगा तभी देखते हैं। फाइनली इसकी प्राइस की बात करते हैं। देखिए, दोनों ही फोन के प्राइस में ये तो सबको पता है कि पोको के जो फोन होते हैं वो रीब्रांडेड होते हैं Redmi के, ठीक है, तो प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि पोको M6 Pro में था और Redmi 12 5G में था। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेसर है, जो कि Realme 11 5G में आपको देखने को मिलता है, MediaTek का 6100 प्लस वाला जो प्रोसेसर है, उसके प्राइस जो है ना वो काफी ज्यादा फोन से मैंने देखे हैं, वो उनके प्राइस ज्यादा हाई रहते हैं, 15000 13000 14000 के बीच आसपास इनके बीच में रहते हैं। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस फोन के जो प्राइस है वो 14 से 15000 या फिर 13000 के आसपास रहे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 10000 के अंडर ही रहेगा, लेकिन अब वो तो देखने की बात, हो सकता है कुछ यूनिक ही ला दे, है ना, गजब ही दिखा दे Redmi, जो कि 10000 के अंदर इस प्रोसेसर को ला दे, तो हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसर अपडेट होते जा रहे हैं, अपग्रेड होता जा रहा है प्रोसेसर में, तो जो प्रोसेसर पुराने होते जा रहे हैं वो लोअर बजट में आते जा रहे हैं, तो वो तो अब देखने की बात है कैसे क्या रहेगा। लेकिन फिर भी स्टिल ये फोन बहुत ज्यादा धांसू होने वाले हैं, दोनों ही फोन, पोको C65 एंड Redmi 13C। तो आप एक्साइटेड हैं इन फोन के लिए या नहीं है, तो कमेंट स्क्रीन में बताइएगा। और हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।